और हाँ, अभी जो है कि पवनदीप राजन और अरुणिता राजन, ओह सॉरी अरुणिता कांजीलाल, यार पवनदीप भाई को भी यार शादी कर लेनी चाहिए यार। उसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था उस वीडियो में, और जब जब आता हूँ इस जगह पे रॉयल सिनेमा की तरफ तो वो वक्त याद आता है मैंने, जब सुबह कितने बजे उठता है यार? मैं उठता नहीं हूँ चाचू, मुझे उठा दिया जाता है। मैं भी उठती नहीं हूँ चाचू, मेरे को भी उठाया जाता है। तो हेलो गाइज, वेलकम, स्वागत है आपका कैसा कुंदन ब्लॉग्स में। और आज लोहरी है, तो आप सभी को लोहरी की बहुत बहुत बधाइयाँ। खासकर पंजाब में ये लोहरी का त्यौहार मनाते हैं, और इस उत्तराखंड में तो मैंने अभी तक देखा नहीं, लेकिन मैं देखना चाह रहा था इस पिथौरागढ़ के कासनी में जो गुरुद्वारा है उस जगह पर लोहरी होती है या नहीं। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह फ़ोन किया प्रभजोत भाई से। प्रभजोत भाई को आप जानते होंगे, मेरी एक वीडियो है पिथौरागढ़ में चार धर्म स्थल, उस वीडियो में उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया है इस गुरुद्वारे के बारे में जो पिथौरागढ़ के कासनी में है। तो मैंने कांटेक्ट किया प्रभजोत भाई, सबसे पहले तो उन्होंने लोहरी विश की, मैंने कहा लोहरी दी, लख लख बधाइयाँ आपको। उनने भी कहा आपको भी बहुत बहुत बधाई, और नई नई शादी भी की है उनने अभी, तो उनको शादी की भी बधाई दी। उसके बाद मैंने पूछा कि प्रभजोत भाई कुछ लोहरी के टाइम पर इस गुरुद्वारे में मतलब कुछ ऐसा प्रोग्राम या कुछ शुभ कार्यक्रम होता है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी हूँ नहीं इस गुरुद्वारे पे, कासनी वाले गुरुद्वारे पे, तो यहाँ पे जो हैं अभी सुखविंदर जी, उनका नंबर मैं आपको देता हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। तो नंबर दिया उन्होंने, तो कांटेक्ट किया उन्हें। इसके बाद मैंने पूछा कि पाजी क्या बात, मतलब कासनी वाले गुरुद्वारे पे इस लोहरी के टाइम पे कुछ होता है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है और कुछ प्रोग्राम नहीं है अभी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगर प्रोग्राम नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आपको लोहरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लोहरी दी लख लख बधाई। तो उन्होंने कहा आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो मतलब लोहरी की कुछ इतनी जानकारी मिल पाई मुझे जो मेरे जानने में थे, मतलब खासकर पंजाब में त्यौहार मनाया जाता है, तो उन लोगों को मैंने कॉन्टेक्ट किया सुबह सुबह, तो कुछ इतनी जानकारी मिल पाई। वैसे होना चाहिए था यार, गुरुद्वारा है यहाँ पर, तो लोहरी पर भी कुछ होना चाहिए था। तो कोई नहीं, नहीं है तो कोई नहीं, शायद अगली बार होगा। तो सारे प्राण, सारे पंजाब के सारे 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 जितने भी हैं, माताएं, बहनें, भाई लोग, चचा, बुजुर्ग, सभी को लोहरी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके केशव कुंदन ब्लॉग्स की तरफ से आप सभी को लोहरी की बहुत बहुत बधाइयाँ। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैं कह रहा था आपको कि अगले ब्लॉग में जो है कि मैं आपको मुनसारी के शानदार नज़ारों के साथ भी दिख सकता हूँ, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। दरअसल बात ऐसा कि आज सुबह सुबह जो है मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, बारिश भी होने लग गई थी हल्की फुल्की, तो उससे मौसम ठंडा हुआ और ठंडे मौसम में बाइक चलाना थोड़ा टफ़ होता है, तो उस वजह से आज मुनसियारी जाना कैंसिल हो गया। सबसे पहले वाले ब्लॉग में देखा आपने पिथौरागढ़ के चंडाग में जो फैक्ट्री थी मैग्नेसेट फैक्ट्री, तो किस वजह से वो बंद हुआ, और जो शूट किया मैंने लास्ट वाली जगह जहाँ पे ब्लास्टिंग की गई थी वो सामने वाली जगह थी, वहाँ पे मतलब उस जगह की हाइट और इस जगह की हाइट जहाँ पे अभी हूँ लगभग सेम ही है, बराबरी में है वो जगह और इस जगह जहाँ पे अभी हूँ, ये जगह थोड़ा हाइट पे ही है मतलब ऊँचाई पे। तो आज आया हूँ इस जगह, और ये नज़ारा जो अभी देखा आपने इस जगह से इधर की तरफ का देखा, इस जगह से इस तरफ का नज़ारा जो कुछ इस तरह का है, कुछ गांव हैं इस साइड को और कुछ रोड साइड की मार्केट हैं, और जो आखिरी में जो पहाड़ी दिख रही है ना आपको, वो नेपाल की पहाड़ी है। आप जानते होंगे पिथौरागढ़ बॉर्डर पर ये शहर बसा हुआ है पिथौरागढ़, और इससे थोड़ा ही आगे को हम निकलते हैं झूलाघाट की तरफ, तो उधर को नेपाल आ जाता है। और तो वो जो पहाड़ी दिख रही है आपको वो नेपाल की है सामने, मैं एक बार आपको बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इधर को पिथौरागढ़ का मार्केट आ गया, और ये नीचे हवाई पट्टी नैनी सैनी, और इधर से अगर हम ऐसे जाते हैं इधर को इस साइड की तरफ, जो आखिरी वाली पहाड़ी दिख रही है ना गैज आपको, हाँ ये वाली पहाड़ी, ये वाली, ये नेपाल की पहाड़ी है, मतलब वो पहाड़ी नेपाल में आती है। और अभी इस जगह पर हूँ, कनारी पावे इस जगह का नाम है, ऊपर है मंदिर लाटा केदार मंदिर, इस जगह पर है। तो गाइज मैं आया अभी कनारी पावे पर, और ये कुछ बातें हुई जो मैंने आपको बताई, और अभी चलता हूँ मैं आगे को। जैसे पिथौरागढ़ से इधर को आया तो ऊपर को चढ़ा तो काफ़ी जिगजैग वाली सड़कें थी, अभी उसी सड़क से नीचे को जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसी वो सड़कें थी और वहाँ से नज़ारा किस तरह का दिखता है, और भी बहुत कुछ बातें जो
चलते हुए करते हैं। तो ये है अपनी एवेंजर। पिथौरागढ़ से 12 किलोमीटर का सफर तय करके मैं इस जगह पहुंचा और अभी जा रहा हूं पिथौरागढ़ की तरफ। तो कुछ इस तरह की रोड है यहाँ, हॉट मिक्स नहीं मतलब हाँ डामर तो है। मौसम भी काफ़ी अजीब सा हो रहा है। इधर से देखिए पिथौरागढ़ का व्यू, ये छोटे छोटे गांव घर हैं इधर और ये रोड है, मतलब यहाँ से नीचे तक पूरा डाउन है। और आपको बता दूं कितनी ऊंचाई से आया हूँ अभी, वो सामने जो पहाड़ी दिख रही है ना, वो उस जगह से आया और काफ़ी हाइट पे है तो वहाँ से नज़ारे कई अच्छे दिख जाते हैं। और अभी बढ़ते हैं आगे को। चाचा ये गांव कौन सा हुआ, ये वाला आ? ये कौन सा गांव हुआ? देवत। देवत, ठीक ठीक। तो ये है नैनी सनी हवाई अड्डा जो सामने से कुछ इस तरह का दिखता है यहाँ पे, नैनी सनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़। और कुछ इस तरीके से सजाया गया है। और ये सामने रॉयल सिनेमा, ओ फ्रंट से दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है गाइस रॉयल सिनेमा, जो मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी रॉयल सिनेमा पर शूट की थी वो मैंने। एक इंडो नेपाली मूवी प्रेम गीत 3 करके एक रिलीज हो रही थी उन दिनों, तो मैंने शूट की थी इस रॉयल सिनेमा से। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था उस वीडियो में। और जब जब आता हूँ इस जगह पे रॉयल सिनेमा की तरफ तो वो वक्त याद आता है मैंने जब वो वीडियो शूट की थी। रॉयल सिनेमा के मैनेजर नीरज भंडारी जी उस वीडियो में आए और कई सवाल जवाब हुए उनसे उस मूवी को लेकर और इस रॉयल सिनेमा को लेकर, और रॉयल सिनेमा को भी बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश की मैंने। तो काफ़ी अच्छा साथ दिया वीडियो में मैनेजर ऑफ रॉयल सिनेमा नीरज भंडारी जी ने, तो थैंक यू उनको। और अभी देखा जाए तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा, आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा मुझे, तो सपोर्ट कीजिएगा, प्यार बनाए रखिएगा और आगे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी मुझे इस YouTube पे सही तरीके से वर्क कर पाऊँ जिससे मैं, तो उसके लिए आपका सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। और वो सामने देखिए एक टैंक रखा हुआ है। तो इस लाइन को APS लाइन कहते हैं, मतलब APS आर्मी पब्लिक स्कूल है ना ऊपर, तो इस वजह से इस लाइन को APS लाइन कहते हैं। और हाँ अभी जो है कि पवनदीप राजन और अरुणिता राजन, ओह सॉरी अरुणिता कांजीलाल, यार पवनदीप भाई को भी यार शादी कर लेनी चाहिए यार उसे। तो ऐसा है कि जैसे उनके नए गाने लॉन्च होंगे मतलब रिलीज होंगे तो सुना जाएगा, एंजॉय किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा, तो ये मैं सोचा हूँ अभी से। लेकिन आ तो जाए यार, काफ़ी टाइम से उनके नए गाने नहीं आए हैं। वो अभी कनारी पावे से पहुँचा घर पर और यहाँ पे हैं घर के बच्चे। हेलो गाइस। तो अब पूछते हैं इनसे कुछ सवाल। सुबह कितने बजे उठता है यार? मैं उठता नहीं हूँ चाचू, मुझे उठा दिया जाता है। मैं भी उठती नहीं हूँ चाचू, मेरे को भी उठाया जाता है। घर में सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? मैं डरता नहीं हूँ, मुझे डरा दिया जाता है। जैसे मेरे को भी डरा दिया जाता है। तो कभी अच्छा लगता है, बच्चे लोग साथ में होते हैं तो काफी अच्छा लगता है। तो बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी आपको, एंड आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। Thanks for watching. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.